रविवार को राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की। मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने पर भाजपा नेताओं में हर्ष का माहौल बना हुआ है। मैं सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जिसकी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो पिछले कई 10 वर्षों तक काम किए गए हैं उसको ही देखते हुए ये तीसरी बार भी जिस तरीके एनडीए सरकार का गठन हुआ है, मैं कह रहा हूँ खूबसूरत गठन हुआ है, बढ़िया तरीके से काम किए जाएंगे। इसमें बघेल साहब को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ और निरंतर जो बघेल साहब का पूरे आगरा शहर में जो लगाव है, हर व्यक्ति से जो जुड़ना कहते हैं यहाँ पर, तो जन जन से उनका लगाव है, उसको देखते हुए यहाँ के प्रतिनिधि सांसद जो थे हमारे बघेल साहब, हर वर्ष हर बार की भांति इस बार भी उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगरा की शहर के लिए कहते हैं बहुत शुभ कार्य है ये, तो क्योंकि वो हर व्यक्ति से जुड़कर और हर व्यक्ति के काम आने वाले व्यक्ति हैं। पहले तो मैं बहुत ही बहुत बधाई दूंगा कि अपनी सभी जनता ने इतना फिर विश्वास जताया है और मोदी जी के प्रति इतना भाव और इतना जो संसार में हम लोगों ने जो नाम किया है अपने प्रदेश का, अपने देश का, वो ऐसे ही अग्रसर बढ़ता रहे। हमारे मंत्री जो आगरा का पद मिला है ये भी हमारे बहुत मूल्य है, क्योंकि आप देख रहे होंगे लाइन में कतार में कितने लोग खड़े हैं, लेकिन बघेल साहब का नाम आना हमारे आगरा शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्यों ना इस उपलब्धि को हम सब लोग मिलकर एक आगरा शहर का नाम रोशन करें, क्योंकि ए अल्फ़ाबेट से ए फॉर अल्फ़ाबेट आगरा और ए से ही सारा संसार चालू होता है। तो क्यों ना इस प्रतन को हम नंबर वन बनाएं, उस शहर को कुछ ना कुछ करके दिखाएं और हम सब लोग मिलकर एक प्रतन करें कि इस सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून हो, जो भी सुविधाएं हो, इस सरकार को इस शहर का पूरा ऐसा प्रकोप करना चाहिए जो देखने लायक बन जाए और पूरा देश देखे। मैं सबसे पहले तो उन सब अपनी नए मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बेस्ट विशेष देना चाहूँगा, जिससे कि वो आने वाले 5 साल में भारत के पुनरुत्थान के लिए फिर से काम कर सकें, भारत की तरक्की के लिए काम कर सकें, भारत के युवाओं के लिए, भारत के किसान के लिए एक नई राह का और नए उत्साह उज्जैन के साथ ये करें। और मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा आगरा से एसपी सिंह बघेल जी को भी कि उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, लेकिन इस बार मेरी उनसे गुजारिश भी है कि वो आगरा के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएं जो उससे कम से कम आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करे कि हमारे यहाँ से भी इस तरह के नेता हुए हैं। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन का प्रेस करना ना भूलें।